क्या बात है, आज तो सुबह सुबह सबसे पहले पहुंच गई आप दादी जान। वैसे क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है? भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ये तो आप दादी से ही पूछें कि क्या बात है। तुमने अपने लिए दुल्हन भी ढूंढ ली और मुझे बताया भी नहीं, शैतान कहीं के। क्या बात है हयात, काम से इतना प्यार हो गया कि ख्वाब में भी बॉस नजर आ रहा है तुझे। तेरे बाप को नौकरी करते हुए कितने साल हो गए हैं, उसे तो कभी नींद में मैंने बुड़बुड़ाते नहीं देखा कि बाबलों की तरह नींद में उठ के कहे हैदर साहब हैदर साहब हैदर साहब। मामला जरूर कुछ और है। अम्मी जान, अगर बाबा भी मेरे जैसे ख्वाब देखते ना तो वो भी ऐसा ही रिएक्ट करते जैसे मैंने आपके सामने किया। अब मैं अपनी मर्जी से ख्वाब थोड़ी देखती हूँ, और ये तो सिर्फ ख्वाब है अम्मी, अगर कोई मुझ पर गिर गया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कौन किस पर गिर गया, कैसी वाहियात बातें कर रही हो? वो ख्वाब में आ गया, ऊपर से तुम पर गिर भी गया। अरे उसका तेरे ख्वाबों में क्या काम है, ऑफिस में क्यों नहीं बैठता है? देख हयात, तू मान ना मान, मामला कुछ और है जो तू बता नहीं रही। एमने आंटी, आप नहीं जानती हैं ये, जो ख्वाब ये देखती है उन ख्वाबों से तो सब अल्लाह बचाए, आपको भी ऐसे ख्वाब नजर ना आए खुदा करे। इसका मतलब ये कि हयात का जो बॉस है इतना सख्त आदमी है कि वो इसके ख्वाब तक में आकर इसको तंग कर रहा है। इसमें हयात क्यों गलत कह रही हैं आप? ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते चले। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। जल्दी हयात इधर आ जाओ, यहाँ आकर देखो तुम्हारी कंपनी के बारे में न्यूज चल रही है। अफेयर सामने आ गया है। ये तुम्हारा बॉस है ना? माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और उनका नाम है दीदर। सही कहा। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते चले के मुराद सर सलमान का अफेयर सामने आ गया है, जो कि सारी कंपनी की एक मॉडल दीदर है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुराद सर सलमान हाथ पकड़े हुए। फरीदे, लड़का शक्ल का कितना प्यारा है ना, लड़की भी इसकी टक्कर की है, हमारी लड़कियां में किसी से कम तो नहीं। क्यों हंस रही हैं? लड़के पे हंस रही हूँ, हयात तो ऐसे मौकों पे सबसे ज्यादा हंसती है। लड़की तेरी क्यों सिट्टी गुम हो गई? वैसे लड़की सज रही है उसके साथ, जोड़ी कमाल है। अरे लड़के, चले इससे क्यों लोगों को बातें बनाने का मौका दे रहा है, शादी कर ले और इससे अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली तुझे। आजकल के लड़कों के तो नखरे ही नहीं मिलते। अब मेरे रोने पर भी सवाल उठेगा, क्या खाऊं क्या पीऊं मैं? उफ़ दादी जान, क्या आपको सचमुच लगता है कि इस लड़की और मेरे दरमियान कुछ हो सकता है? हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, तुमने कॉलेज में आकर मेरे सामने तस्लीम किया था। स्कूल में तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी, तुमने कभी खुद बताया था मुझे, हमेशा छुपाते हो, अब यकीन कैसे करूं? हमारी मलका आलिया ऐसा कुछ नहीं है। बस करें भाई बस। क्या मतलब? ये ठीक नहीं कर रहे आप। क्या? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये झूठ बोलना, अम्मी को दादी को किस किस को आपने धोखे में रखा हुआ है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है भाई, दादी की खुशी खराब ना करें, देखें ना कितना प्यार करती हैं ये आपसे, सच बता देना प्लीज। दुरोग बस करो भाई। याद करें आप कल रात मुझसे क्या कह रहे थे कि दीदम को मैं बहुत चाहता हूँ, ये भी कहा था ना कि मेरे निकाह के गवाह तुम बनना। देखो ना दादी कितनी खुश है, उनका दिल मत तोड़ो प्लीज। मेरे सबर का ज्यादा इम्तिहान मत लो दादी जान, ये झूठ बोल रहा है। दादी सरप्राइज बनाने को असल मास होगा। तुम ऐसे नहीं मान। अल्लाह, तुमने सारी दुनिया मेरे कदमों में ढेर कर दी है ना, मेरा बच्चा मेरा शहजादा। याद ना मैंने कितनी दुआएं मांगी थी, अल्लाह ने मेरी सुन ली और कबूल भी कर ली। ये लड़की है तो सूखी सड़ी, मगर तुझे पसंद है तो मुझे भी पसंद है ना? मुझे अपनी होने वाली दुल्हन से मिलवाना, हम सब मिलेंगे है ना?